एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से एक शेयर का एनालिसिस करेंगे। ये जो शेयर होगा वो लगभग आप 3 4 महीने तक रख सकते हैं और ये मल्टी ब्रेकआउट देने वाला है। तो एक बात का फिर से ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो लॉस उतने का लें जिसके साथ आप जाके रात को सो सकें। ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी हाँ रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक एज्यूम करके सोच के ऐसा ना ले लें कि 100 शेयर ले लूँगा तो 10 हज़ार हो जाएगा या 1 लाख हो जाएगा, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर 100 शेयर लेते हैं तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं कौन सा शेयर है। तो आज जो हमारे पास शेयर है वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। देख पा रहे होंगे आप ये जो चार्ट, कितने कितना खूबसूरत चार्ट है। देखिए 2009 से यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो किया और फिर यहाँ पे ये फॉल आया था कोरोना के समय पे। सोचिए 3 रुपये का हो गया था, ये 4 रुपये का शेयर हो गया था। एंड 1 अप्रैल 2020 एंड 1 अप्रैल 2021, एक साल में ही ये 5-2, वाओ 90 रुपीज़। जरा सोचिए कितना कितना ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। एक मल्टी बैगर शेयर है ये, 5 रुपए का शेयर 95 रुपीज़ हो गया। ओके ठीक है, तो इस शेयर में भी काफ़ी दम है, इसलिए एक साल में ये यहाँ से यहाँ आ चुका है। और आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसी के पास ये मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। इन द सेंस जब कोई भी शेयर एक ट्रेंड लाइन के पास मंडरा है, जैसे अगर ये शेयर यहाँ पे मंथली कैंडल बनाया और देखिए यहाँ पे करेक्शन आया, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, तो करेक्शन का भी हमें डर नहीं है। तो अभी ये जो करंटली मंथ चल रहा है, ठीक है, ये उसका कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, क्लोज देना ही चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत अनसर्टेन होता है मार्केट। सो ये एक सही प्लेस है एंटर करने का मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इस स्विंग के नीचे रखेंगे, जो 70-71 के आसपास आता है, तो हम 71 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख के इस शेयर में एंटर कर सकते हैं। देख रहे हैं मंथली बेसिस पे अगर ये देता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट एक्चुअली दे दिया है, होपफुली ये इसके ऊपर क्लोज देगा इस मंथ के ऊपर, इस मंथ में, एंड देन ऊपर जाएगा। और ये कैसे ऊपर जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये किस तरीके से ऊपर जा सकता है, यहाँ से एक तो हो सकता है कुछ दिन और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, 1 महीना, ये जो महीना हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा और ये ऊपर ऐसे जा सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक ये जो लाइन बन रही है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जाए ऐसे ऊपर और ये फिर से नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से ऊपर जाए, तो ये बहुत चीज़ें पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों केस में ही हमारा फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे पहला जो भी टारगेट होगा 120, एंड मैं तो इसे बोलूँगा आप होल्ड करके रखिए, इसे बेचिएगा नहीं, क्योंकि ये एक मल्टी बैगर शेयर है। 120, 120 से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस शेयर को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, ये बाई रेडार पे है अपने। सो एक मिनट इसका हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वाह दिख रहा है आपको, चलिए इसे हम डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, ये वीकली सा चार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये देखिए, और ये जो अगर आपको पता हो तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस में ये कप एंड केक का शेप बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फॉर्म इसने बनाया हुआ है, तो एकदम ये रेडी है। देखिए वीकली चार्ट पे कोई भी चार्ट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया यहाँ पे, इसको पोलन फ्लैग बोलेंगे, और उसके बाद उसने फिर से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है ये यहाँ से निकले, हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा सा ब्रेक ले या फिर यहाँ से ब्रेक ले,
कहीं भी ले सकता है, यहाँ भी ब्रेक ले सकता है, यहाँ भी ब्रेक ले सकता है, उसके बाद ऐसे निकल सकता है। ठीक है, देखिए या फिर हो सकता है ये ऐसे डायरेक्ट निकल जाए। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये, वीकली चार्ट पे भी एंड मंथली चार्ट पे भी। तो आप इसमें बन सकते हैं, ठीक है, आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहीं 71 पे रखें, काफ़ी सही जगह पे स्टॉप लॉस है हमारा। 16 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, और फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो 120 का होगा। तो यहाँ से 20 प्लस 24 एंड 16, मुझे लग रहा है 1 से 1.5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो बनेगा। लेकिन मैं बोलूँगा आप इसे 150 तक टारगेट के लिए होल्ड करके रखिएगा। ओके, तो ये था आज का शेयर। आप इसको अपने बाई रडार में रख सकते हैं और बाई कर सकते हैं अभी, और अभी इसे बाई कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह थोड़े से जागरूक हो सके मार्केट को लेके, और थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकें। धन्यवाद।